राजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। जिस अंदाज से और जिन जराए से दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है वो डिटेल्स हमने आपसे शेयर की, और सिर्फ हमने जबानी कलामी बात नहीं की, आप जानते हैं और आपके इल्म में है कि हमने ठोस शवाहिद भी फराहम किए, इररिफ्यूटेबल एविडेंस, जिसका अभी तक हिंदुस्तान कोई मुनासिब, जिसे कहते हैं ना, जवाब नहीं दे सका, क्योंकि इतनी ठोस वो शवाहिद थे। आपने देखा कि उस डॉसियर में हमने वाजे तौर पर इशारा किया कि हिंदुस्तान फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट दे रहा है किनको, उन तंजीमों को, उन दहशतगर्द तंजीमों को जो अक्वामे मुत्तहिदा की निगाह में जो प्रिस्क्राइब्ड है। फिर ये जो डॉसियर है जो आपसे शेयर किया गया था, ये अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे जो पीआर हैं न्यूयॉर्क में मुनीर अकरम साहब ने सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा से शेयर किया है और हमारा नुक्ता नजर उनकी खिदमत में पेश किया है। फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने उस डॉसियर पर भी एक्सटेंसिव मीटिंग्स की हैं, और आपकी इतला के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एफएस ने जो P5 ममालिक हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, उनके नुमाइंदगान को दफ्तर खारजा दावत देकर और यके बाद दीकर पूरा डॉसियर उनसे शेयर किया। न सिर्फ उनसे शेयर किया बल्कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्हें भी मदू किया गया दफ्तर खारजा और उनसे भी शेयर किया गया वो डॉसियर। इसके साथ साथ जो की कंट्रीज हैं, अहम ममालिक हैं ओआईसी के, उनसे भी शेयर किया गया, और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स से भी शेयर किया गया। तो कहने का मकसद यह है कि हमने उसको न सिर्फ मुरतब किया, न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी वसी तशहीर जो है वो अब हो रही है, क्योंकि हकायक पे मबनी है, और हमारे मिशंस जो हैं पाकिस्तान से बाहर, उनको भी वाजे हिदायत चली गई हैं कि ये हकायक वहां की मीडिया से, थिंक टैंक से और डेमोक्रेसीज में, पार्लियामेंट से शेयर कीजिए। आज जो आपको तकलीफ दी गई है, सहमत दी गई है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि आपसे शेयर करनी है कुछ और डिटेल्स जिन्होंने जन्म लिया है इस डॉक्यूमेंट से, जिसको आप इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से आपके सामने आ चुका है। ये रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, अब ये एक पब्लिक नॉलेज है ये डॉक्यूमेंट। इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये ईयू डिस इन्फो लैब की तहकीक के बाद ये हकायक सामने आए हैं, और ये हकायक निशानदेही करते हैं कि पिछले 15 सालों से ऑनलाइन और ऑफलाइन हिंदुस्तान क्या कर रहा था पाकिस्तान की इमेज को मुतासिर करने के लिए, अपनी अच्छाइयां और अपने परसेप्शन को, हिंदुस्तान के परसेप्शन को झूठा सच्चा बनाने में, और पाकिस्तान को इंटरनेशनली अंडरमाइन करने में जो उनका किरदार था वो आपके सामने है। और ये फेक एक्टिविटी जो है वो सिर्फ अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए की जा रही थी। ऑब्जेक्टिव इस सारी कार्रवाई का, इस डिसइंफॉर्मेशन ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव हिंदुस्तान का क्या था, मैं पहले अर्ज कर चुका, परसेप्शन, इंडियन परसेप्शन, इंडिया के बारे में परसेप्शन को मजबूत करना और पाकिस्तान को मिलाइन करना इंटरनेशनली।
और ये जो कार्रवाई हुई और जो करते रहे उनका जो दायरा था वो 116 मुल्कों तक फैला हुआ था। अब तरीकाकार क्या था, उन्होंने फेक न्यूज वेबसाइट्स तरतीब दी, उनको इस्तेमाल किया और 750 के लगभग ऐसी फेक न्यूज वेबसाइट्स की निशानदेही हो चुकी है जिन्हें हिंदुस्तान इस्तेमाल करता रहा। 10 के लगभग जाली फेक एनजीओस जो कि एक्रेडिटेड थी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ, उनको इस्तेमाल करता रहा और उनके जरिए उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करता रहा। फेक थिंक टैंक्स बनाए और उनको इस्तेमाल करता रहा। फेक डेमोन्स्ट्रेशंस, लोग कहते थे देखिए ब्रसल्स में क्या हो रहा है, ये देखें इतने लोग इकट्ठे हो गए, वो देखें जी कैंप लगा दिया हिंदुस्तान का, देखें कितनी गहमा गहमी है, सब जेन्युइन नहीं था, ड्रामा था, नाटक था, फंडेड था, ऑर्केस्ट्रेटेड था। और उसमें हिंदुस्तान की जो स्टेट है और जो उनके इदारे हैं वो उसमें मुलव्वस है। अब आप देखें कि इनफॉर्मल यूरोपियन यूनियन में पार्लियामेंट्री ग्रुप्स न सिर्फ तरतीब दिए गए, मिसाल के तौर पर साउथ एशिया पीस फोरम, फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। आपको याद होगा कि जब हम यहां बात कर रहे थे 14 नवंबर को, तो मैंने कहा था कि ये इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन अब हो गए, ये वहां जो एक सब नेशनलिज्म को हवा देने की कोशिश करते रहेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे, आज ये इस फेक पार्लियामेंट्री ग्रुप से जाहिर हुआ कि क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा बलूचिस्तान का भी हवाला दिया था मैंने, और बलूचिस्तान पे भी मैंने कहा था कि किस तरह खास तौर पे जब से सीपैक का जो मंसूबा और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आगे बढ़ना शुरू हुआ, आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर बिलखसूस जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो बढ़ती चली गई। तो यहां आप देखें ये फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान, ये भी एक फेक ऑर्गेनाइजेशन और एक ग्रुप बनाया गया है उनके प्रोपागैंडा को, उसके प्रचार के लिए। तो ये जो फेक न्यूज आउटलेट्स हैं ये न सिर्फ हिंदुस्तान ने बनाए, इनको हिंदुस्तान फंड भी करता है, और मकसद मिस इन्फॉर्म करना, किसको, यूरोपियन यूनियन को और यूएन सिस्टम को मिस इन्फॉर्म करना और उस मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए अपने मकासद हासिल करना। आपको याद होगा कि मैंने उस दिन भी कहा था और मैं अब दोहराता हूं कि हिंदुस्तान एक हाइब्रिड वॉर, पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर में मुलव्वस है, पूरी तरह मुलव्वस है, और पाकिस्तान इसका मुकाबला कर रहा है कई सालों से और मौसर तरीके से मुकाबला कर रहा है, खामोशी से, लेकिन अब क्योंकि हकायक कुछ सामने आए हैं तो हमने मुनासिब समझा कि आपके जरिए पाकिस्तान के लोगों के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाए। दुनिया को हम गाहे बगाहे अपने जराए से सफारती अंदाज में आगाह करते रहे कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, ये उसके डिजाइन हैं, ये उसके इरादे हैं। और आज जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है ईयू डिस इन्फो लैब की, उसने हमारे मौकफ की ताईद कर दी, हमारे मौकफ को उस पर मोहर लगा दी। अब आप देखिए कि एक यूरोपियन पार्लियामेंट टुडे .com के नाम से एक जाली यूरोपियन पार्लियामेंट की ऑनलाइन मैगजीन बनाई गई, उसके जरिए इंफॉर्मेशन का फ्लो रहा और ये हिंदुस्तान से चलती थी, इट वॉज बींग रन फ्रॉम इंडिया। और इस मैगजीन ने जाली थिंक टैंक्स के जरिए
और जाली एनजीओ के जरिए अपना प्रोपेगेंडा जो है उसको वो आगे बढ़ाते रहे। और फिर क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन की जो एंटी डिसइंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तहकीक जब हुई मुकम्मल तो उन्होंने दे ब्रॉट दिस मैगजीन डाउन कि भाई ये तो सब दो नंबर काम है और इसको बंद होना चाहिए। इसके साथ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की प्रीमियर न्यूज एजेंसी है ANI, आप सब वाकिफ हैं, सब मीडिया के लोग हैं। अब ANI को इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जा रहा है टू एम्प्लीफाई दिस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये जो एजेंसी है ANI, ये फीड करती है फेक न्यूज मुख्तलिफ जराए से, मेन स्ट्रीम जो इंडियन पब्लिकेशंस हैं उनको ये लुकमे देती है, उनको ये मटेरियल देती है उसको बढ़ाने के लिए। बिल्कुल दो नंबर काम लेकिन कर रहे हैं। और दिस इज एक्सट्रीमली वरिंग फॉर पाकिस्तान, इसलिए हमें तश्वीश है कि ये जो ANI जैसी तंजीमें हैं और ये वायर सर्विस है ये फीड करती है रिप्यूटेड न्यूज वायर्स लाइक रॉयटर्स। अब वो तो उनका एक नाम है, उनका एक अपना एक उनकी क्रेडिबिलिटी है जी, उनके पार्टनर बने हुए हैं, उनके साथ एक पार्टनरशिप अरेंजमेंट है और वो कई दफा चीजें उनसे उठा लेते हैं बगैर उसकी गहराई में गए और वो पब्लिश हो जाती हैं और पाकिस्तान को नीचा दिखाने का मकसद है। तो उनको भी मैं समझता हूं कि इन इंकशाफात के बाद ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। फिर आपको यह भी अर्ज कर दूं, आपने देखा होगा पिछले दिनों में एक यूरोपियन पार्लियामेंट्स का पार्लियामेंटेरियंस का एक दौरा हुआ था मकबूजा कश्मीर का। वो कैसे हुआ था, वो किसने करवाया था, उसको फंड किसने किया था? इस किस्म की जो फेक ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदुस्तान स्टेट के पैसे पर ये दौरे हुए। और तासुर क्या देना था, तासुर ये देना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद अब जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है वो तो अब बिल्कुल दुरुस्त हो गई है, हालात मामूल की तरफ लौट आए हैं और पाकिस्तान जो कहता है और दुनिया में उजागर करने की कोशिश करता है उसको डिसक्रेडिट करना मकसूद था। इसी तरह आप देखें कि जो इंटर्न्स हैं जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में काम करते हैं कर रहे हैं उनको इस्तेमाल किया गया इन जाली एनजीओज ने, उनको माउथपीस बनाया गया अपने प्रोपेगेंडे को हवा देने के लिए। फिर आपने देखा अखबारात में भी छपा वो फ्री बलूचिस्तान के बैनर्स पोस्टर्स लगाए गए, ये कौन कर रहा था, ये बलूचिस्तान के लोग नहीं कर रहे थे, ये इस किस्म की फेक ऑर्गेनाइजेशंस फंडेड बाय इंडिया वो कर रही थी। और अब मैं कहूं फॉरेन ऑफिस कहे तो ये तो जी एक रिवायती पाकिस्तान का रोना धोना है, ये रोते रहते हैं, नहीं पाकिस्तान नहीं कह रहा, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये दूसरी रिपोर्ट 2019 में और ये दूसरी रिपोर्ट उससे उनको उजागर कर रही है हालात को। सो एक्समेयर कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान शुरू की गई है और उसकी कोई हदूद नहीं। जो एक पीसफुल स्ट्रगल है मकबूजा कश्मीर ने फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन उसको रंग देते हैं दहशतगर्दी से और वो तासुर देने की कोशिश करते हैं। फॉल्स स्टोरीज ह्यूमन राइट्स अब्यूज के बारे में प्लांट की जाती हैं पाकिस्तान को डिफेंसिव करने पे। और फिर एक आप देखते हैं कि पूरी एक फैटिफ में कैंपेन हुई और आपने देखा कि अभी भी जो आखिरी प्लेनरी हुई उसका मकसद क्या था,
और कौन मुखालफत कर रहा था? दुनिया तारीफ कर रही थी जो पाकिस्तान ने इकदाम उठाए थे और जो हमारी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हमने फुलफिल की और 21 हमने जो एजेंडा आइटम्स हैं उनको 100% हमने मुकम्मल कर लिया और बाकी भी पेशरफ्त हुई, तो उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के जरिए वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की मुसलसल कोशिश करते रहे हैं। इन इब्तदाई कलमात के बाद मैं मुईद यूसुफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये मजीद कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, देन आई विल मेक सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स। शुक्रिया शाह साहब। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात देता हूँ और ये कड़ियाँ जोड़ता हूँ कि हिंदुस्तान मजमू तौर पे कहाँ आके खड़ा होता है पाकिस्तान के खिलाफ। और जब मैं बात खत्म कर लूँ तो मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या मैं आपको एक माफिया की डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ या एक रियासत की। इस वक्त ये समझना बहुत मुश्किल है कि जिस दुश्मन से हम निमट रहे हैं वो रियासत नहीं रही, वो एक माफिया बन गया है। वो ऐसा है जिस तरह किसी शख्स पे 302 का पर्चा हुआ हो, तो वो चार्जशीट जो है वो अभी वजीर खारजा ने और मैं आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा इस बात से कि ये जो अब रिपोर्ट आई है ये एक तसलसल है। 2019 में दिसंबर में पहले ये बात शुरू हुई थी, उस वक्त इसी डिसइन्फो लैब ने 265 फेक आउटलेट्स का जिक्र किया था हिंदुस्तान से मुंसलिक 65 ममालिक में। तब ये ईपी टुडे के नाम से जो अभी बात की गई मैगजीन की वो मौजूद था, उसको जब पकड़े गए तो खत्म किया और ईयू क्रॉनिकल के नाम से अगले ही दिन एक और पब्लिकेशन शुरू कर दी। उसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं और थी, लेकिन वो मुनासिब नहीं था कि उस वक्त सामने लाया जाए। इसमें एक खातून है, हिंदुस्तानी खातून मादी शर्मा के नाम से, ये इंस्ट्रूमेंटल थी, ये थी उस 39 मेंबर यूरोपियन यूनियन की डेलीगेशन की जो मकबूजा कश्मीर में लाई गई और उसको ये रंग दिया गया कि क्योंकि मकबूजा कश्मीर में हालात ठीक हो रहे हैं, ये देखें यूरोप के पार्लियामेंटेरियंस भी वहां पे तशरीफ लाए। बाद में उनमें से कुछ ने अपोलोजाइज भी किया जब ये पता चला कि असल हकीकत क्या थी, कि ये एक रॉ का पूरा प्रोग्राम था। इसकी इन्वेस्टिगेशन जब करवाई गई, हमने जब ये देखा कि क्या हो रहा है, तो ये मालूम हुआ कि ये जितने भी फेक एक्टिविटीज और ये जो मैंने आपको मैगजीन का जिक्र किया, इसके सर्वर जो हैं वो यूरोप में नहीं हिंदुस्तान में बेस थे और ये रॉ नेटवर्क का हिस्सा थे। 3 दिसंबर को बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की इस सारी चीज पे, लेकिन जाहिर बात है जो मैंने आपको अभी रॉ का कनेक्शन बताया वो उसमें मौजूद नहीं था। इस पे रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने मेमोज भी लिखे डिप्लोमेटिक चैनल से और इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी आगाह किया गया मुख्तलिफ ममालिक के, लेकिन बदकिस्मती से कोई उसका मुस्बत नतीजा नहीं निकला उस वक्त। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वजीर खारजा ने इसकी बात की है कि ये कर क्या रहे थे, किस तरह चल रहा था, और फिर आप सोचिएगा कि ये रियासत होती है या एक माफिया और एक चोर की मेंटेलिटी। पहले तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस को लॉबी किया, पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया और उन इश्यूज पे जिन पे वो खुद बात करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, बाकी बहुत से एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, ऐसे प्रेजेंट किया जैसे बड़ा जेन्युइन कोई कॉज लेके वो खड़े हो रहे हैं। उसके बाद पूरे के पूरे थिंक टैंक्स खड़े किए जो कि एग्जिस्ट नहीं करते थे, जो कि डूबियस थे, जो कि 2 नंबर थे। उसमें वो जो अभी वजीर खारजा ने बात की, इंटर्न्स को जो नौजवान अपना अभी करियर शुरू कर रहे हैं उनकी तबाही का मंसूबा बनाया, उनको इस्तेमाल किया, उनसे आर्टिकल्स लिखवाए, किस चीज पे पाकिस्तान को मलामत, लामतान और मलामत का निशाना बनाने के लिए। मैं आपसे इसके बाद जिक्र करूंगा कि इस सारे का मतलब क्या बनता है, लेकिन सबसे अहम बात यह जहन में रखें कि यूएन यूनाइटेड नेशंस को इस्तेमाल किया गया, उनकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है
उधर एनजीओज भी जाती हैं, यानी नॉन गवर्नमेंट इदारे जो हैं उनको भी मौका मिलता है कि वो जाके एक पॉइंट ऑफ व्यू दें मुख्तलिफ इश्यूज पे। वहां पे 10 या 10 से ज्यादा, 10 के तो नाम भी शाया हुए हैं, वो यूएन से मुंसलिक करके उस काउंसिल से उन एनजीओज को, ये ऐसी कई एनजीओज थी जो पहले बनी सही तरह किसी काम के लिए, दुनिया में किसी ने बनाई, बंद हो गई 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, उन्हीं के नाम इस्तेमाल करके, उनकी एक्रेडिटेशन इस्तेमाल करके वहां जाके तकारीर करवाई गई पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें दिलचस्प बात यह है कि एनजीओ का नाम है इंडिया एजुकेशन पीस एजुकेशन, कोई कैनर्स एसोसिएशन, कैन बनाने वाले, जाके बात क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान में देखें क्या हो रहा है, तूफान आ गया, मर गए, लुट गए। तो अक्वामे मुत्तहिदा का सिस्टम इस्तेमाल करके उनको भी जलील किया और पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई। फेक मीडिया की बात हो गई, ये फेक मीडिया सिर्फ लोकल नहीं, दुनिया में पहले 65 मुल्कों की बात हुई थी, अब 116 मुल्कों में ये नेटवर्क फैला हुआ था। कई दफा ये सोचना पड़ता है कि ये रियासत अपने काम करती है या सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जाली कार्रवाइयां करने में लगी हुई है। फिर जो पार्लियामेंटेरियन थे यूरोपियन यूनियन के, उनसे अखबारात में आर्टिकल्स लिखवाए गए, उनके पार्लियामेंट में सवाल प्लांट करवाए गए कि जी ये सवाल पूछा जाए जिसका ये जवाब होना चाहिए, और उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं जो पार्लियामान में अपने मेंबरान देते हैं उनमें भी ये पॉइंट ऑफ व्यू इंजेक्ट करवाया गया। डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो गई, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और वसूख से कहता हूं, हम जो जेन्युइन अपनी प्रोजेक्शन करते हैं, जो अपनी बात पहुंचाते हैं, वो दुनिया में एक जगह करना, उसके लिए महीनों काम करना पड़ता है। इधर ये हाल है कि रोज एक प्रोटेस्ट हो रहा है, तस्वीर आ रही है, आप लोग भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है फ्री बलोचिस्तान। कभी आपने देखा होगा बर्तानिया में बसों पर लिखा होता है फ्री बलोचिस्तान, कभी कुछ। आज आपको हम नहीं, एक तीसरी इंडिपेंडेंट वॉइस बता रही है कि ये क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस में स्पीकिंग स्लॉट्स लिए गए, वहां पे बातें करवाई गई, और उसके बाद जिक्र कर दिया वजीर खारजा ने, ये जो रॉयटर्स और एएनआई का कनेक्शन है, ये आप इनकी वेबसाइट देखिए, वो खुद कहते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और जो चीज भी एएनआई से आती है वो हम चलाएं, और क्या आ रहा था और क्या चल रहा था ये आपके सामने। इसका स्केल भी सुन लीजिए, 116 ममालिक, 750 से जायद फेक मीडिया आउटलेट्स, 550 से जायद डोमेन नेम्स। ये बहुत अहम है, आप नई दिल्ली में बैठ के सारी दुनिया में नई डोमेन्स और वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं एज इफ कि कोई वो जेन्युइन बंदा यूरोप में या कहीं बैठ के वो काम कर रहा है, और एक ही खबर सारों से चला रहे हैं। अखबारात में फेक जर्नलिस्ट के नाम, जर्नलिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते, को फौत हो गया, उनके नामों से आर्टिकल्स छपवा रहे हैं और लोगों की आइडेंटिटीज चोरी कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की चोरी होती है, आप जाते हैं को आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी चोरी करके और उससे गलत काम करता है, वो इन्होंने प्रूफ किया है रिपोर्ट के अंदर। एनजीओ का मैंने जिक्र कर दिया, 10 या 10 से जायद जो है वो एक्रेडिटेड यूएन को यूज कर रहे थे। और फिर जो लोग फौत हो चुके हैं, एक ह्यूमन राइट्स के बहुत ही मशहूर लॉयर और एक जिनको बानी कहा जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ह्यूमन राइट्स की सारी फील्ड के, उनको फौत हो चुके हैं नाम इस्तेमाल करके उनके नामों पे अकाउंट चला के और मैसेज आगे भिजवाए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये अगर तो कोई हॉलीवुड की फिल्म होती माफिया पे तो मैं मान लेता, लेकिन ये हकीकत है जो हमारा हमसाया हमारे खिलाफ कर रहा है। मैं आपको 2-3 कोट्स देना चाहता हूं इस रिपोर्ट से जो बहुत अहम है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझना जरूरी है। एक चीज ये रिपोर्ट कहती है, वी हैव बीन एस्टोनिश्ड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेयर्स ऑफ फेक, समथिंग वी हैड नेवर इनकाउंटर्ड इन अदर इन्वेस्टिगेशंस। यानी ये जो जाल इन्होंने फैलाया, आज से पहले इस तरह का जाल कभी हमारी नजर से नहीं गुजरा।
ये है इसका लेवल। वॉइस ऑफ अमेरिका का नाम आप सब जानते हैं, इकोनॉमिस्ट मैगजीन का नाम आप जानते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के लेटर हेड को इस्तेमाल किया है, इस हद तक चले गए। उसके बाद एक बरतानिया की हुकूमत के मिनिस्टर की आइडेंटिटी, बीबीसी डायरेक्टर की तस्वीरें लेके चलाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और उनको पता भी नहीं है कि उनके उनके साथ क्या हो रहा है। और आखिर में ये रिपोर्ट एक बहुत अहम बात करती है, इवन आर फुल रिपोर्ट डज नॉट मेंशन एवरीथिंग वी अनकवर्ड, यानी जो आपके सामने उन्होंने 80 सफों में रखा है वो भी अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो अभी आगे क्या क्या चीजें आएंगी, मैं आपको यह भी बता दूं कि श्रीवास्तवा ग्रुप नाम है, अंकित श्रीवास्तवा ये साहब हैं जो ये सारी कैंपेन का फ्रंट है, जो श्रीवास्तवा ग्रुप लीड कर रहा था। इसका ताना बाना किससे जाके जुड़ता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये उसी नेटवर्क का हिस्सा है जिसकी एक कड़ी वो डोसियर है जिसमें हमने आपको दिखाया कि दहशतगर्दी किस तरह हिंदुस्तान कर रहा है, और एएनआई इसकी प्रोजेक्शन करता था रॉयटर्स और बाकियों के जरिए। नाम आपको वजीर खारजा ने बताए और इसकी अहमियत मैं अभी बयान कर देता हूं, साउथ एशिया पीस फोरम, बलोच फोरम, फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, अभी मैं इसकी आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूं। ये रिपोर्ट कह रही है कि एएनआई का रिलेशनशिप हिंदुस्तानी रियासत से, श्रीवास्तवा ग्रुप जो है उसकी पोटेंशियल टाइज विद इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको रिपोर्ट का बता रहा हूं। उसके बाद यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीकर जाता है, जाके बात करता है जो उनकी मनपसंद बात नहीं है, उसको फिर थ्रेटन किया जाता है कि हम तुम्हें मरवा देंगे अगर तुमने हमारी बात न मानी या ना की। ये इस लेवल पे मामला गया हुआ है। और बदकिस्मती ये है हाजरीन कि कुछ सो कॉल्ड पाकिस्तानी वो भी इनके इवेंट्स भी अटेंड करते रहे, इनको बातें भी करते रहे, इनके साथ शामिल भी रहे। मेरा ख्याल है कि ये इशारा उस मामले में काफी है। अब आखिर में मैं आपको सिर्फ दो तीन चीजें बता दूं कि एक तो मैंने माफिया का जिक्र कर दिया, दूसरा इसमें क्रिमिनलिटी शामिल है, यानी बैन अल-अक़वामी कवानीन तोड़े गए हैं, यूनाइटेड नेशंस का इस्तेमाल, ईयू का लेटर हेड का इस्तेमाल, लोगों की आइडेंटिटी चोरी करना जिसके लिए दुनिया में 20-20 साल कैद होती है, इसमें क्रिमिनलिटी शामिल है। यह सिर्फ बातचीत नहीं है और इसको परसू करना लाजिम है। दूसरी बात, मैंने बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र इसलिए किया कि इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, ये भी बात होती है कि जी दहशतगर्दी का वाकया हुआ, इधर क्या हो रहा है, हमने आपको डोसियर में पूरा मंसूबा भी बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में वो क्या कर रहे थे। तो जनाब ये आवाजें बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से नहीं उठ रही, ये आवाजें इन नेटवर्क से उठ रही हैं ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए। इस बात को तहमुल से हम सब इंटरनलाइज कर लें कि पाकिस्तान के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुके हैं सिक्योरिटी के जिमन में, दुनिया को यह बताया जा रहा है कि यह नहीं ठीक। और यह मैं आपसे आखिरी बात करना चाहता हूं कि क्यों ऐसा है। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक फैसला किया और वो आपको हमारे किरदार में नजर आ रहा है, और इसकी मैं खराज तहसीन पेश करता हूं वजीर खारजा को क्योंकि वो इसकी लीड में है। पाकिस्तान दुनिया से अनअपोलोजेटिकली बात करेगा, प्रोएक्टिव पॉलिसी चलाएगा और बगैर डर के बात करेगा। अगर कोई इबाम किसी को था जी पहले बात नहीं होती थी, कश्मीर कहां गया हिंदुस्तान, ये आपको अब बिल्कुल वाजे तौर पे नजर आ जाना चाहिए। हमारा मुद्दा दुनिया में हर जगह जाएगा, खुल के जाएगा, हां शायद हमें कामयाबी ना हो, जाल बहुत फैला हुआ है हमारे दुश्मन का, लेकिन आज नहीं होगी तो कल जरूर होगी क्योंकि हमारी बात हक और इंसाफ पे मबनी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे इदारों की मेहनत से वजारत खारजा बाकी तमाम पिछले 1.5 साल में जितनी सरजरिश हिंदुस्तान की हुई है मेरा ख्याल है इससे पहले कभी नहीं हुई, और बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड निजाम के तहत पूरी हुकूमत, पूरे इदारे, वजारत खारजा, मेरा इदारा, बाकी इदारे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि पाकिस्तान अब सारी दुनिया को यह बात बता रहा है कि हमारा पैराडाइम इकोनॉमिक सिक्योरिटी का पैराडाइम, हम दुनिया से दोस्ती कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हम अफगानिस्तान में अमन तलाश कर रहे हैं, कोशा है, पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि वहां अमन आए, राहदारी मिले, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बने। हमारा इस वक्त मौकफ अमन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और हिंदुस्तान ये एक्टिविटीज इस्तेमाल कर रहा है किस लिए, ताकि पाकिस्तान आगे ना जा सके। डोसियर में क्या बताया कि यहां हमले करा रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये सारा नेटवर्क क्या कर रहा है, एक ऐसा इंप्रेशन बना रहा है पाकिस्तान का कि ना इन्वेस्टर आए, ना जब हम डोसियर दें तो हमारी बात मानी जाए। ये सारा एक ही जाल है और ये सारा एक मंसूबे के तहत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्शन आप प्लीज जहन में रखें, इस पे यहां भी इतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। बार बार ये बात होती है जी पाकिस्तान ने ये गलत किया वो किया, वी आर फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड पीस। ये हमारा मैसेज है अपनी कौम को भी और दुनिया को भी, और दुनिया के लिए जरूरी है कि अपना नैरेटिव अपडेट करें। जो हिंदुस्तान कह रहा है उस तरह नहीं, पाकिस्तान को देखें हम कहां जा रहे हैं, और फिर देख लें कि वो माफिया जो दूसरी तरफ बैठा है वो पाकिस्तान को कहां ले जा रहा है। अब मैं वजीर खारजा को दरखास्त करूंगा कि अब इस गुफ्तगू जो आपने सुनी इसके बाद हमारी दरखास्त क्या है। वी अर्ज द यूएन ह्यूमन राइट्स मशीनरी, पर्टिकुलरली द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स and the relevant special procedure mandate holders as well as human rights experts to take a serious look as to how a prestigious platform such as the Human Rights Council was thus misused. UN ECOSOC and its NGO committee must scrutinize and make sure that the government-owned and sponsored organizations piloting disinformation and spreading fake news and hate are not able to gain any space in UN platforms, especially the Human Rights Council. Tisra, the relevant authorities in Switzerland and Belgium in particular should investigate the finances and transparency of the relevant NGOs registered within their jurisdiction. Chautha, we also urge EU authorities to take notice of this massive campaign against Pakistan and not let their legal frameworks and institutions be abused in such a blatant manner. Aur paanchwa, the European Parliament members who were manipulated into writing op-eds for fake media outlets or taken on trip to endorse the false Indian narrative of normalcy in illegally Indian occupied Jammu and Kashmir must recognize India for what it is. You've all heard the details of India's propaganda and influence operation against Pakistan. Today, India is manipulating and misusing the international system for its own nefarious designs. Pakistan calls on the United Nations and the UN Human Rights Council to immediately begin investigation and delisting of the 10 fake NGOs created by India to malign Pakistan. We also call on the United Nations to create processes that ensure that the international system is not manipulated through such influence operations. Additionally, we call on the European Union Parliament to begin a credible investigation into the manipulation of the EU Parliament and its legislative process by these fake organizations involved in anti-Pakistan propaganda under a fully funded disinformation and influence operation run by India. We also call
on international news agencies, especially Reuters, to reconsider their existing partnership with ANI news agency, now proven to be pushing fake news from two fake Indian-created websites reportedly. And the last, truth cannot be hidden for long. The scope and extent of India's operations against Pakistan under their hybrid war is now apparent for the world to see. Pakistan will take all necessary actions to protect its interests. Once again, we warn the world to take heed of the RSS-BJP regime's agenda, which threatens regional peace and continues to manipulate the international system for its own nefarious ends. Shukriya. शाह महमूद कुरैशी और उनके हमरा मुआवने खुसूसी मोईद यूसुफ अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने भारतीय प्रोपोगेंडे के जाल से पर्दा उठा दिया है। भारत 15 साल से झूठ के जरिए पाकिस्तान के तशख्स को मुतासर करता रहा। उनमें तस्वीर भी हैं, नाम भी हैं, सारों के नहीं हैं। और इसमें सिर्फ इस इशू पे नहीं, बहुत से इसके ऐसे अब्जाविये हैं जिन पे आगे काम होगा। और हिंदुस्तान को जहां जहां इंसाफ पर मबनी हम चीज ले जा सकते हैं वहां लेके जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो अब बात हो गई है, ये वही अंग्रेजी की इस्तलाह है, कॉट विद योर पैंट्स डाउन। तो इसमें तो अब मामला इतना वाजे है कि इस रियासत को तो पता नहीं रियासत भी कहा जा सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल जहां जहां हम जा सकते हैं वहां जाएंगे, और नाम जो हैं वो आपको उसमें भी मिल जाएंगे, और कुछ और भी हैं जो उससे मुझसे जी। नवीन अकबर आ रही थे सर, सेटअप के जैसे आगे मामला फिर आ रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान के सारे मामला तक जाएगा। सारा जो प्रोपेगेंडा हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान को मिलाइट किया गया है और पाकिस्तान को कोशिश की गई है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके, ब्लैक लिस्ट में जाए जो भारतीय प्रमुख, तो क्या इकदाम आप किए जाएंगे? क्योंकि आपकी पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिसको हम आलमी इदारों के सामने ला सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा साहब, देखिए, आप ने सही निशानदेही की है। पाकिस्तान अपने इकदाम से मुसलसल इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अपने अमल से काफी हद तक कायल कर चुका है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, टेरर फाइनेंसिंग के बारे में और उसको चेक करने के बारे में संजीदा हैं। हमने कानून साजी की है, हमने इकदाम उठाए हैं और हमारी संजीदगी दुनिया पे अब अयां है। लेकिन आपने देखा कि इजलासों में हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, और आप देखिए सबसे ज्यादा इंटरवेंशन किसकी होती हैं? हिंदुस्तान की होती है। पिछली बार देखिए अकेला हिंदुस्तान बोल रहा था। तो आज उन ममालिक को जो फैटिफ के मेंबर्स हैं, उनको हिंदुस्तान के मौकिफ को इस रिपोर्ट के बाद इट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। थैंक यू सर, दिस इज रमोशन फ्रॉम जियो टेलीविजन। वजीर ख्वाजा साहब, जिस तरह ये मामला बड़ा खुल के सामने आ गया, यूरोपीय यूनियन के लोग इस्तेमाल हुए, यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल, अकवामे मुत्तहिदा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, तो क्या आप इन इदारों से अपोलोजाइज करने का कोई डिमांड करेंगे? एक बात। दूसरा ये कि ये सारा कुछ इतना कुछ होता रहा, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस बारे में बेखबर रही? थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जिन इदारों का जिक्र किया, मैं उनकी नीयत पे, चाहे यूरोपियन यूनियन है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी हाल ही में मेरी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है उनके साथ, और हमारे दोस्ताना और तारीखी ताल्लुकात हैं। मैं उन ममालिक की नीयत पर शक नहीं करता, मैं उनके इदारों की नीयत पे शक नहीं करता। मैं समझता हूं उनके साथ धोखा किया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है।
और मैं उस धोखे की निशानदेही कर रहा हूं और उनको बावर करा रहा हूं कि ये आपके साथ ये एक हाथ हुआ है और आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि हाथ किसने किया और क्यों किया है और उनके मकासद क्या हैं। तो उनके साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ना मकसूद नहीं है, उनको बाखबर करना और उनको ताकि मुस्तकबिल में वो उनके झांसे में ना आए, ये है हमारा हमारा मौकफ और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। और आपका इंटेलिजेंस, हाँ देखिए बहुत से लेवल्स पर मैंने आपको अर्ज किया कि हम इन चीजों से वाकिफ थे और जिसे कहते हैं ना क्वाइट डिप्लोमेसी के जरिए हम अपना नैरेटिव प्लग इन कर रहे थे। लेकिन अब जैसे मैंने कहा एक स्टेज आई थी और वो एविडेंस इतना ठोस सामने आ गया था कि हमने डॉसियर आपकी खिदमत पे और इंटरनेशनल कम्युनिटी की खिदमत पे पेश कर दिया। आज हम समझते हैं कि हम कहते तो काफी ना था, आज जो हम कह रहे थे वो आज एक तीसरी पार्टी जो है उसकी तस्दीक कर रही है, तो उसको सामने रखते हुए हमने आपसे शेयर किया है और हम समझते हैं कि ये मौजू वक्त था उसको शेयर करने का। इसमें मैं सिर्फ ये इजाफा कर दूं जी, ये कल भी मैं तनकीद देख रहा था कि रियासत क्या कर रही थी। देखिए मैंने आपको अभी 2019 का जो वाकया बताया और आपको बताया कि हमें मालूम था अपनी इन्वेस्टिगेशन से कि ये रॉ का वही जाल है। कई चीजें पसे पर्दा रखना जरूरी होती हैं किसी वक्त ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सी चीजें इस जाल में हम न्यूट्रलाइज भी करने में कामयाब हुए थे। ये तो क्योंकि अब रिपोर्ट आई है तो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन रियासत तो 24 घंटे इन चीजों पे काम कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं था या वी वर आउट ऑफ कार। जी थैंक यू फ्रॉम द रिपोर्ट। शाह साहब जिस तरह आपने जिन इदारों का जिक्र किया रिपोर्ट में, जो जिन इदारों का नाम के नाम आए हैं जो है ईयू की जो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं जिनके नाम यूज हुए हैं जो अभी जिंदा हैं, क्या उन इदारों को या उन लोगों को अप्रोच करने की जरूरत है या आप सोच रहे हैं कि उनको अप्रोच किया जाए कि इंडिया के खिलाफ इस तरह या जो एक्शन जो भी तरीकेकार हो नंबर है। दूसरी बात ये कि ये जो डॉसियर और ये रिपोर्ट को बना के क्या आप कोई लीगल स्टेप की तरफ भी जा रहे हैं? देखिए पहली बात तो यह है कि जिन अशखास का आपने जिक्र किया जिनके नाम को इस्तेमाल किया गया इम्पर्सनेट किया गया, तो मैं समझता हूं कि ये रिपोर्ट उनकी नजर से यकीनन गुजरेगी और गुजरी होगी, तो हमारी बात से हटकर उनकी एक अपनी शोहरत है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, उनकी अपनी साख है, तो उन्हें अज खुद भी इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। मैं समझता हूं कि उन शख्सियात को उनकी पार्लियामेंट का फोरम है उस पे वो अपनी तशवीश का इजहार कर सकते हैं कि किस तरह मेरा नाम इस्तेमाल किया गया, किस तरह एक शख्स जो है जो जिंदा भी नहीं है इस दुनिया में नहीं है उसको आपने उसकी तस्वीर छाप दी उसके नाम का इस्तेमाल किया। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, हमारा नहीं उनका भी है। कल को कोई उनके नाम से कोई गलत चीज मंसूब कर दे तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। कल को मेरे नाम से कोई गलत चीज मंसूब कर दे और मुझे उसके मतलब सवाल जवाब में मैं उलझ जाऊं तो ये मुनासिब नहीं है। तो उनको ये करना चाहिए और यकीनन मुझे यकीन है कि इस रिपोर्ट के बाद एक तश्वीश की लहर वहां जरूर दौड़ी होगी। कुछ ने अपने ला ताल्लुकी का भी इजहार किया जिनके नाम से ऑपरेट छापे जी, हाँ ये फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने मेरी मालूमात में इजाफा फरमाते हुए कहा कि कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा जिनके नामों को इस्तेमाल किया गया उन्होंने अपोलोजाइज किया ला ताल्लुकी का और अपनी ला ताल्लुकी का इजहार भी किया। सो यू नो द बॉल हैज बीन सेट इन टू मोशन। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल मनोज फर्स्ट टाइम हमारे इस्लामी ब्रदरहुड दुबई यूएई और सऊदी अरब में डाला है जिनके जिनकी वर्क फोर्स लोग नंबर टू उनकी मतलब टूरिस्ट को भी वो एंट्री देते हैं। तो जनरल मनोज के इस दौरे के बारे में आप
आज के टॉपिक आज के इस मौजू को सामने रखे, आप मुझसे कल परसों बात कीजिएगा, मैं बात करूंगा, पहले कर चुका हूं, आज नहीं करूंगा। हमने देखा है कि ट्रेंड था कि कुछ भी इंडिया में पहले होता था सवाल पाकिस्तान के ऊपर बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के एक नाम किरदार डालता जाता था। अब ये रिपोर्ट सामने आई है 750 से ज्यादा पब्लिकेशन में 116 ममालिक के अंदर होते थे। क्या पाकिस्तान की मिशन को ये बात कही जाएगी कि उन ऑर्गेनाइजेशन के आउटलेट्स को रीच आउट करें उनको इस बारे में? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, और वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कहा गया कि इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडे का जाल से पर्दा उठाया है। भारत 15 साल से झूठ के जरिए पाकिस्तान के तशख्खुस को मुतासर कर रहा है।